अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है? सो किड्स, टुडे और बुक इज द लर्निंग ऑफ साइंस पार्ट जीरो। जो मेरी किताब है ये लर्निंग साइंस की है और ये हिस्सा जीरो, इट्स मीन ये प्रेप क्लास की बुक है। नाउ ओपन द बुक, बिग आइडिया, एयर, वाटर एंड सीजंस। तो हमारा जो है वो यूनिट नंबर 9, ये पेज नंबर 47 पर है और टॉपिक है एयर, वाटर एंड सीजन, यानी हवा, पानी और मौसम। द एयर, सबसे पहले हम द एयर के बारे में पढ़ेंगे कि द एयर में हमारे पास क्या क्या, ये एयर होती क्या है, यानी एयर को उर्दू में हवा कहते हैं, तो हवा क्या होती है। सो ऑल लिविंग थिंग नीड टू ली एयर टू लीव, हर एक जानदार को जिंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। एयर इज़ एवरीवेयर अराउंड अस, हवा जो है वो हमारे चारों तरफ है, यानी हमारे इर्द गिर्द है। वी कैन नॉट सी एयर, लेकिन हम इस हवा को देख तो नहीं सकते, बट वी फील इट, लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। वी यूज़ एयर इन मैनी वेज, हम हवा का जो है वो कई रास्तों में इस्तेमाल, यानी कई तरीकों से हम हवा का इस्तेमाल करते हैं। सो द फर्स्ट इज़, यहाँ पर देखिए एक आदमी है वो क्या कर रहा है, वो हवा ले रहा है इस फैन के ज़रिए, जबकि दूसरा जो है वो टायर के अंदर हवा भर रहा है। सो नेक्स्ट, यहाँ पर एक बच्ची है जो हवा भर रही है इस बलून के अंदर। नाउ नेक्स्ट वाटर, सो वाटर, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लीव, जो पानी है ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ यूज्ड इन मैनी डिफरेंट वेज, ये जो है ये कई तरीक़ों से हम इसे इस्तेमाल करते हैं, लाइक ड्रिंकिंग, मिसाल के तौर पर पीने के लिए, कुकिंग, पकाने के लिए, वॉशिंग, धोने के लिए। प्लांट्स एंड ट्रीज नीड वाटर टू ग्रो, प्लांट जो हैं यानी पौधे और दरख्तों को भी ज़रूरत होती है यानी बढ़ने के लिए, किसकी, पानी की। नाउ नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें तो बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीरें हैं जिसमें एक लड़का जो है वो टेकिंग शावर ले रहा है, ड्रिंकिंग वाटर, ये पानी पी रही है। सो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये पानी को दे रहा है, पौधों को पानी दे रहा है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम देखें तो एक मदर हैं जो क्या कर रही हैं, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बर्तन धो रही हैं। नेक्स्ट एलिफेंट जो है वो, यानी जानवरों को भी ज़रूरत होती है पानी की, इसलिए जानवर भी जो है वो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देन कुकिंग, यहाँ पर जो है वो माँ एक खाना पका रही हैं, सो इट्स मीन इसकी ज़रूरत हमें कुकिंग में भी होती है। हम ओन नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज पेज नंबर 48, ऑन पेज नंबर 48, एयर वाटर एंड सीजन, बिग आइडिया, यूनिट नंबर 9। सो सीजन, देयर आर 4 सीजन, यहाँ पर हमारे पास 4 मौसम हैं। समर, यहाँ पर सबसे पहले समर कौन सा मौसम होता है, गर्मी का। इट इज़ वेरी हॉट एंड वी वेयर लाइट क्लॉथ इन द सीज़न, हम क्या करते हैं, ये गर्मी का जो मौसम होता है ये बहुत ही गर्म होता है और हम लोग क्या करते हैं, इसमें हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं। और इस मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, अक्सर आपने देखा होगा कि गर्मियों में बार बार प्यास भी लगती है। देन विंटर सीजन, ठंड का मौसम। वी फील कोल्ड इन द विंटर, हम विंटर में यानी सर्दियों में हम लोग अपने आप को ठंडा महसूस करते हैं, एंड और ये बहुत ही ठंडा मौसम होता है। एंड वॉर्म, वेयर वॉर्म क्लॉथ, और हम लोग क्या करते हैं, गर्म इसमें कपड़े पहनते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑटम सीजन, ऑटम सीजन यानी पतझड़ का मौसम। इन दिस सीजन ट्रीज शेड ऑफ देयर लीव्स, इस मौसम में क्या करते हैं, जो दरख्त होते हैं वो अपने पत्तों को छोड़ देते हैं, यानी हर तरफ जो है वो झाड़ा छा जाता है। स्प्रिंग सीजन, इट्स मीन सदाबहार। इट इज़ वेरी प्लेजेंट एंड कलरफुल सीजन, प्लेजेंट यानी ये बहुत ही खुशगवार और बहुत ही रंगदार, रंग वाला मौसम होता है। इसमें फूल खिलते हैं, इसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो आप लोग इसमें हरियाली देखते हैं हर तरफ, बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्या होता है ये सीजन है। सो किड्स, आपने क्या करना है, इन चारों सीज़न को देखना है और फिर बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने क्या करनी है, इन तस्वीरों को देखना है। देखने के बाद आपने क्या करना है, अपने पेरेंट्स से पूछना है कि पानी का इस्तेमाल जो है वो मज़ीद कैसे किया जाता है। आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, और क्या उसका नाम है, स्नो, फिर इसके अलावा आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फिर स्नोफॉल्स जो है वो विंटर में होती हैं। नेक्स्ट इसमें जो है वो रातें लंबी हो जाती हैं और जो दिन है वो बहुत ही छोटे होते हैं, जबकि गर्मियों के मौसम में दिन बहुत ही लंबे हो जाते हैं। सो किड्स, मूव ऑन नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पेज नंबर 49, एंड ऑल्सो असेसमेंट वर्कशीट, एंड असेसमेंट वर्कशीट इज मैच द नेम विद द पिक्चर, हमने क्या करना है, मैच करने हैं नेम्स को विद उन पिक्चर्स के साथ। फर्स्ट इज ऑटम, अन्यो, बिकॉज यहाँ पर जो ट्री है इनके ऊपर लीव्स नहीं है, सो इट्स मीन दिस इज ऑटम सीजन, मैच विद ऑटम सीजन। नाउ नेक्स्ट इज स्नो फॉलिंग, सो इट्स मीन दिस इज विंटर सीजन, नाउ मैच विद विंटर सीजन। नाउ नेक्स्ट इज
समर, सो समर सीजन. नाउ इन लास्ट स्प्रिंग, सो मैच विथ स्प्रिंग सीजन. सो किड्स पेज नंबर 49 इज डन. सो मूव ऑन नेक्स्ट पेज. ऑन नेक्स्ट पेज वेरी ब्यूटीफुल पेज, कलरिंग वर्कशीट. कलर द ऑब्जेक्ट एंड राइट द सीजन. हमने क्या करना है, यहाँ पर कलर करने हैं और फिर यहाँ पर हम लोगों ने राइट यानी लिखना है सीजन्स को. सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कलर्स. सो कलर्स को हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, अपने कलर्स को यूज़ करेंगे और यूज़ करने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इन कलर्स साथ में हम लोग इनके नेम भी लिखेंगे, किनके, सीजन के. तो चलिए हम इनमें कलर्स करते हैं. सो यहाँ पर हमारे पास एक स्नोमैन. सो स्नोमैन जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ है. सो हम सभी को पता है कि जो बर्फ है वो वाइट कलर में होती है. सो हम लोग स्नोमैन में तो कलर नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास जो पीछे ट्री है हम उसमें लाजमी कलर करेंगे इन ब्राउन, बिकॉज वुड कलर इज़ ब्राउन. वुड का यानी लकड़ी का जो रंग है वो ब्राउन होता है. इसके स्टेम और इसके रूट्स भी ब्राउन होते हैं. सो हमने ब्राउन कलर किया. सो दिस इज विंटर. सो राइट विंटर, WINTER, विंटर. नाउ नेक्स्ट इज वेरी ब्यूटीफुल सीजन. सो यहाँ पे क्या है, फ्लावर्स जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से रेड कलर में है, देन यहाँ पर एक पर्पल कलर में है, नेक्स्ट फ्लावर में मैं येलो कलर करूँगी. एंड आई नो दिस इज स्प्रिंग सीजन. सो ये स्प्रिंग सीजन है. सो स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग. नाउ नेक्स्ट इज गर्मियों के मौसम में क्या होता है, मैंगोज जो होते हैं वो हम लोग खाते हैं. मैंगोज येलो कलर के होते हैं. सन जो है वो बहुत ही तेज़ जो है वो आसमान पर बहुत ही बुलंदियों पर होता है और उससे बहुत ही गर्माहट होती है. सो दिस इज समर. समर सीजन. ना नेक्स्ट इज लोग, यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा एक मैन है और पीछे जो है वो ट्री बना हुआ है. ट्री में से क्या हो रहा है, जो पत्ते हैं यानी जो उसके लीव्स हैं वो गिर रहे हैं. सो इट्स मीन ऑटम. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑटम. ऑटम. सो किड्स मूव ऑन नेक्स्ट. और नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 51 एंड ऑल्सो कलरिंग वर्कशीट. कलर द फॉलोइंग पिक्चर. हमने क्या करना है, इस पिक्चर में कलर करने हैं. सो क्लाउड्स जो हैं वो कौन से कलर में होते हैं, क्लाउड्स ब्लू कलर में होते हैं. सो क्लाउड्स में हम लोग ब्लू कलर करेंगे. वेल डन. नेक्स्ट यहाँ पर सनफ्लावर है. सो सनफ्लावर में हम बहुत ही खूबसूरत सा येलो कलर करेंगे. नेक्स्ट हम लोग इसमें ब्राउन कलर करेंगे. एंड इसके शॉप में भी हम लोग क्या करेंगे, ब्राउन कलर करेंगे. द नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी स्ट्रॉबेरीज पड़ी हुई हैं. सो हम लोग इनमें कलर करेंगे. सो ये बास्केट है. सो अपने बास्केट में भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से कलर किया. यहाँ पर एक गर्ल है जो बहुत ही खूबसूरत सी है, हम उसके कपड़ों में भी कलर करेंगे. वेल डन. सो यहाँ पर एक पम्पकिन है. सो पम्पकिन जो है वो सभी को पता है वो ऑरेंज कलर में होता है, तो हम लोग इसमें ऑरेंज कलर करेंगे. नाउ नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा है कि इन्होंने डॉल टाइप एक मैन बनाया है जिसमें हम लोग बहुत ही खूबसूरत से कलर करेंगे. और इसकी हैट में ऑरेंज कलर करेंगे. देन यहाँ पर एक बॉय है जिसकी शर्ट में कलर नहीं हुआ, सो इसमें हम लोग ब्लू कलर करेंगे. सो किड्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने अपने वर्क को डन किया. सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन यूनिट नंबर 9. सो आपने भी इसी तरह खूबसूरत तरीके से इस वर्क को डन करना है. सो किड्स इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।